आज उलमाए काउंसिल हिंद के सेक्रेटरी शियाने हैदरे कर्रार मौलाना इफ्तखार हुसैन इंकलाबी से केकेडी न्यूज के संवाददाता आरिस अब्बास ने खास बातचीत की, जहां खास बातचीत के दौरान मौलाना इफ्तखार हुसैन इंकलाबी ने भाजपा की नाकामियों को खुलेआम उजागर किया। वहीं मौलाना ने NRC और NPR को लेकर बातचीत में कहा कि भाजपा ने जो वादे जनता से किए थे वो उन वादों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए भाजपा NRC को लेकर जनता को भटकाना चाहती है। आप खुद ही सुन लीजिए। तो मान साहब ये बताइए कि NRC को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? NRC उसमें जो है, ये NRC तो सभी को पता है, आप मीडिया वाले हैं, आप सब जान रहे हैं इस वक्त कि पूरे NRC का मैटर पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और इसका 78% लोग विरोध कर रहे हैं NRC को लेकर। और NRC ये कुछ है नहीं, ये NRC उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे, जो गवर्नमेंट ने तमाम काम के वादे किए थे, जो नौकरियां देने के वादे किए थे, जो गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ों को वादे किए थे, वो वादे वो वफा कर नहीं पाए हैं। लिहाजा वह NRC इसलिए लाए हैं कि जनता का दिमाग NRC की तरफ मोड़ दो, ताकि हमसे कोई बात पूछ न सके कि हमने जो नौकरियों को वादे किए थे, हमने जो ये वादा किया था, हमने कुछ देने का वादा किया था। आप देखिए कि कितने होमगार्डों की नौकरी चली गई, कितने लोगों बेरोज़गार हो गए, कितना बिजनेस खत्म हो गया, कितने तिजारत खत्म हो गया। आज हिंदुस्तान में इस तरीके से महंगाई हो रही, प्याज 150 रुपये किलो बिक रही है, लहसुन 250 रुपये किलो बिक रहा है, ये हुकूमत की देन है। अब हम ये इन तमाम चीज़ों को यानी रुख को मोड़ने के लिए ये NRC सामने लाया गया, ताकि इंसानियों का जहन NRC की तरफ रहे, हमारी तरफ कुछ ना रहे कि हमसे कोई पूछा जाए कि ये बताइए कि गवर्नमेंट के लोगों से, विधायक से, मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, योगी जी से ये ना पूछा जाए कि भाई ये महंगाई क्यों है, ये नौकरी क्यों नहीं आई, जब जो आपने वादे किए थे कि 15-15 लाख रुपए जाएंगे बैंकों में, वो कहां चले गए? ये तो बैंक खाली हो गए, जाने की बात नहीं, बैंक खाली हो गए और ये हिंदुस्तान में भुखमरी हो रही है इस वक्त। अच्छा मौन साहब ये बताइए कि अभी NCR का मुद्दा चल रहा था, फिर उसके बाद जो है वो NPR आ गया, अभी NCR, वो सब यही है, वो NPR भी यही है, ये भी है, NRC भी है, ये सिर्फ दिमागों को मोड़ने के लिए, बाकी कुछ नहीं है, ताकि ये इंसान का दिमाग इधर उधर रहे, जनता समझ नहीं पा रही है। जनता को अब समझ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट आप देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद है अमेरिका और इज़राइल, और अमेरिका इज़राइल के बाद कोई आतंकवाद है वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पे ये कहते हैं पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान, भाई पहले सबसे इनको गवर्नमेंट, आप भारत को ये सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान पे हमला करने की ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया, लेकिन वहाँ उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? फंडिंग यानी उसकी जड़ तलाश करो। अमेरिका और इसराइल फंडिंग कर रहा है, सऊदी अरब उसका पिट्ठू है, सऊदी अरब पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है। आप पहले अमरीका को देखिए, आप उसको इसराइल को देखिए, उसके बाद सऊदी अरब को देखिए, उसके बाद पाकिस्तान की बात है ना भाई। तो आप ये बात तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसकी फंडिंग कहाँ से चल रही है। फंडिंग चल रही है अमरीका से, अमरीका का डायरेक्ट सऊदी अरब आता है, सऊदी अरब फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान को। मैं हूं आरिज अब्बास, KKD न्यूज संवाददाता, लखनऊ।